प्राचीन काल में सुकेतुमान नाम का एक राजा भद्रावती नगरी में राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी रानी का नाम शैव्या था। पुत्र न होने के कारण राजा रानी को हरदम चिंता रहा करती थी। राजा के मन में हरदम यही विचार आता था कि उसके मरने पर उसे पिंडदान कौन देगा। वो बिना पुत्र के अपने पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकाएगा। ऐसी मान्यता थी कि जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में हमेशा अंधकार रहता है। इसलिए जिस मनुष्य के पुत्र हो वो धन्य है, उसे दोनों लोक में यश मिलता है। मान्यता के अनुसार पूर्व जन्म के अच्छे कर्म से ही इस जन्म में पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। इसी कारण राजा दिन रात चिंतित रहने लगा। दुखी होकर एक दिन राजा घोड़े पर बैठकर वन में चला गया और इधर उधर घूमने लगा। उसने जंगल में हिरण, बाघ, सुअर, शेर, बंदर, सांप आदि जंगली जानवरों को अपने बच्चों के साथ विचरण करते हुए देखा। उसने देखा कि हाथी हथनी अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं। इन सभी जानवरों को देखते देखते आधा दिन समाप्त हो गया। राजा को विचार आया कि जंगली जानवर भी उससे ज्यादा सुखी हैं। उसने सोचा कि मैंने इतने यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को भोज कराया, इतने पुण्य कार्य किए, फिर उसके दुख का क्या कारण है। जंगल में घूमते घूमते राजा को बहुत जोर से प्यास लगी और पानी की खोज में वो जंगल में चारों तरफ घूमने लगा। कुछ दूर पर राजा को एक सरोवर नजर आया। उस सरोवर में लाल लाल कमल के फूल थे और वहां पर सफेद हंस, मगरमच्छ आदि अनेक जलचर प्राणी थे। उस सरोवर के चारों तरफ ऋषि मुनियों के आश्रम थे। तभी राजा के दाहिने अंग जोर जोर से फड़कने लगे। शरीर के दाहिने अंग का फड़कना शुभ शकुन था। इसी कारण राजा घोड़े से उतरकर ऋषि मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने जाकर बैठ गया। मुनियों ने राजा को कहा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे मन में कुछ इच्छा हो तो हमें बताओ। राजा ने प्रश्न किया कि आप कौन हैं और किस उद्देश्य से इस जंगल में आए हैं। मुनि ने राजा को बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है, जो मनुष्य को पुत्र प्रदान करने वाली है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर के जल में स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। ये सब जानकर राजा ने उन ऋषि मुनियों को अपना दुख बताया और कहा कि उसके कोई संतान नहीं है, कृपा करके उसे संतान प्राप्ति का मार्ग बताएं। मुनि गण ने कहा, आज पुत्रदा एकादशी है, आज आप इसके व्रत का पालन करें, ईश्वर की कृपा से आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। उन्होंने राजा को इस व्रत की विधि बताई। मुनि गण के कहे अनुसार राजा ने उसी दिन जंगल में ही एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया और फिर मुनियों को प्रणाम करके अपने महल लौट आया। थोड़े समय के बाद रानी गर्भवती हो गई और 9 महीनों के बाद राजा रानी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वो बड़ा होकर बड़ा ही यशस्वी और प्रजापालक राजा बना।